चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों आशा करती हूँ आप अच्छे स्वस्थ प्रसन्न होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मौसम की अगर बात उत्तराखंड में करें तो आज अच्छा नहीं हो रहा मौसम, बादल लगे हुए हैं, धूप नहीं है, बहुत हल्की सी धूप है जिसमें कपड़े भी नहीं सूख पा रहे हैं। तो एक स्किन केयर आपके लिए आज बनाने जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। हाथ पैरों को कैसे आप सॉफ्ट मुलायम बना सकते हैं, वैसे तो जनरली सभी बनाते होंगे लेकिन मैं किस तरह से बनाती हूँ आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करें, बेल आइकन ऑन पर रखें ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करती हूँ उसके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और पुराने हैं तो प्लीज़ कमेंट के साथ आएँ ताकि आपका कमेंट रिटर्न हो सके। तो थोड़ा सा साइड में फल वल भी दिख रहे हैं, इग्नोर कीजिएगा। एक्चुअली मैं बनाने वाली हूँ आज, ये है हमारा गुलाब जल, देख सकते हैं आप, ये गुलाब जल लिया है मैंने, रोज़ वाटर, और ये ग्लिसिन हमारे यहाँ इसी तरह की मिलती है तो ये मैंने ग्लिसिन ली हुई है, और 2 cc मैंने ग्लिसिन ली है। इसमें से थोड़ा सा मैंने निकाला था, ये देख सकते हैं, ये भरी हुई है, वो भरी हुई है, और साथ में मैंने लिया है चंदन तेल, ये देख सकते हैं आप, सैंडलवुड ऑयल, और ये लिए हैं मैंने, ये हमारे लोकल के नींबू हैं, ऐसे कागजी नींबू ही हैं लेकिन ये इस तरह से हुए हैं हमारे यहाँ लोकल में। तो मैंने बहुत सारे नींबू ये देख सकते हैं आप ये लिए हुए हैं। तो चलिए एक अच्छा सा हम आज आपको बना के दिखाते हैं हाथ पैरों को गोरा रखने वाला लोशन, तो कैसे बनाती हूँ आप ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे एक बाउल में, ये मैंने खाली बाउल लिया है, इसमें हम इसको मिक्स कर लेंगे, ये जितनी भी ग्लिसरीन है वैसलीन है सब इसको हम इसमें उलट लेते हैं, देखते हैं इसमें कितना आ पाता है, नहीं तो किसी बड़े में बनाएंगे, क्योंकि मैं बना के इसको स्टोर करके रख देती हूँ ताकि ये जब बाद तक चले जाए, 1 साल तक ये चल जाता है लगभग ये लोशन, 1 साल के बाद फिर से हम बना लेते हैं। तो ऐसे मैं सारा खाली कर लूँगी इसको, ग्लिसरीन को, जितनी भी ग्लिसरीन इसमें है। ये हमारे यहाँ एलिसा कुछ करके है, इसी तरह की ग्लिसरीन मिलती है, आपके यहाँ कौन सी मिलती है बताइएगा, लेकिन ये अच्छी होती है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन तो आपको पता है स्किन के लिए वैसे भी बहुत अच्छी होती है, हर क्रीम में ग्लिसरीन पड़ी होती है। तो इसको ये भी हम खाली कर लेंगे, ये हम जितना ज़रूरत होता है करेंगे इतना हम हटा देंगे इसमें से। ये मैंने सारी ग्लिसरीन डाल दी है, अब हम डाल लेंगे ये गुलाब जल लाई हूँ मैं, मुझे यही गुलाब जल मिला, ये डाबर का ही है लेकिन कैसा है पता नहीं, डाबर का गुलाब जल ठीक होता है, मैं इसको भी कट कर लेती हूँ। ये बाउल हो गया छोटा, तो हम इसको इसमें उलट देंगे, सारी ग्लिसरीन भी हम इसमें उलट देंगे अच्छी तरह से। ये मैंने दोनों खाली कर ली, देख सकते हैं आप, ये दोनों बॉटल मैंने इसमें डाल दी है खाली करके, तो काफ़ी है इतनी, और ग्लिसरीन भी मैंने सारी डाल दी है। तो दोस्तों ये नींबू मैंने निचोड़ लिया, देख सकते हैं मैंने डाले हैं 8 नींबू मैंने लिए थे इस साइज़ के, 3 ये बचे हैं, 5 मैंने इसे ये निचोड़ लिया अच्छी तरह से, इसका रस निकाल लिया है। अब हम इसको छन्नी की मदद से जो इसमें बीज है ना उसको हटा देंगे, तो छन्नी से हम इसको छान लेंगे सारे रस को, और इसमें हम इसको ऐसे डाल देंगे, तो इसमें पल भी है कहीं कहीं, तो इसको अच्छी तरह से हम ऐसे हाथ से हिला हिला के सारा चम्मच से इसका रस निकाल लेंगे अच्छी तरह से, बीज और जो पल्प है वो अलग कर देंगे, क्योंकि जो लोशन है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डलेगा बीज भी या ये सब पल्प है ये ख़राब कर सकता है लोशन को, इसलिए हमको ये लंबा स्टोर करना है। तो मैं इसको बिल्कुल साफ़ करके छन्नी से छान के इसका सारा सूप निकाल लिया मैंने, और जो दाने बचे हैं इसको हम हटा देंगे अच्छी तरह से, ये काफ़ी है। अगर हमें लगेगा कभी और डालना है, वैसे ज़्यादा क्या होता है ना, विटामिन सी स्किन के लिए अच्छा तो होता है पर ज़्यादा अति स्किन को ख़राब कर सकता है, ड्राई कर सकता है स्किन को, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, जितना मुझे लग रहा था कि ज़रूरत है उतना मैंने इसमें डाल दिया है। इसको हम अच्छी तरह से ऐसे ऐसे चला लेंगे, आप देख सकते हैं कितना आसानी से बन रहा है, बहुत जल्दी बन जाता है ग्लिसरीन, बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है हमने। अब हम इसमें डाल लेंगे ये सैंडलवुड ऑयल, आप चाहें तो किसी और का तेल भी डाल सकते हैं, विटामिन ई भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे सैंडलवुड ऑयल का काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखा, इसलिए ये मैंने इसमें खाली कर रखा है सैंडलवुड ऑयल। तो इसमें हम इससे डाल लेंगे, तब तक कितना ड्रॉप लगते हैं, बहुत अच्छी खुशबू देता है लोशन और बहुत गोरा करता है स्किन को, हाथ पैरों को, चेहरे पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ पैरों को कर सकते हैं, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड है तो ठंडे गर्म पानी से स्किन टैन हो जाती है, तो ये उसकी जो जली होती है ना धूप से या ठंडे गर्म पानी से, तो वो सब इसको ठीक कर देता है, इसलिए मैं चंदन तेल का इस्तेमाल करती हूँ। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है ये चंदन तेल, आप भी ऑनलाइन कर सकते हैं, एक बार इस तरह से बना के देखिएगा, डाल के देखिएगा चंदन तेल, तो बहुत अच्छा रहता है चंदन तेल इसके लिए। तो मैंने काफ़ी चंदन तेल इसमें डाल दिया है,
और इसमें अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगा। नींबू जो हमें एकदम ड्राइनेस देता है वो भी नहीं करेगा और स्किन को गोरा भी करेगा, हाथ पैर फटने भी नहीं देगा। ठंडे गर्म पानी से हम बर्तन धोते हैं, काम करते हैं, कभी लाइट होती है कभी नहीं होती है, तो उससे स्किन ख़राब होने का डर रहता है, तो इससे ये स्किन ख़राब नहीं होती है। ये इतना ट्रांसपेरेंट मैंने बना दिया है, देख सकते हैं आप, तो ये इसमें ग्लिसिन अच्छी तरह घुल गई है। बस इसको हम इसे इतना ही पतला लोशन हमें चाहिए हाथ पैरों के लिए, चेहरे के लिए। आप चेहरे में सुबह उठ के, इसमें गुलाब जल मिला हुआ है, ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन तो आपको पता है हर क्रीम में डलती है और बहुत अच्छी होती है स्वास्थ्य स्किन के लिए, स्किन प्रोडक्ट में डलती है वो कि स्किन केयर प्रोडक्ट में, इसलिए ग्लिसरीन, गुलाब जल और नींबू का कॉम्बिनेशन है ही। बस इसमें मैंने चंदन तेल अच्छा डाला हुआ है, तो और थोड़ा डाल देंगे चंदन तेल। चंदन तेल से क्या है, ड्राइनेस नहीं होगी और ऑयली बहुत अच्छा होगा ये। जैसे किसी को अगर चंदन से एलर्जी है या कोई अवॉइड करना चाहता है तो इग्नोर करें, विटामिन ई डाल सकते हैं, कैप्सूल या विटामिन ई ऑयल आता है मार्केट में, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये विटामिन ई ऑयल है, देख सकते हैं आप, ये अमेजोन से मंगाया है मैंने। ये मैं किसी भी क्रीम के साथ मिक्स करके लगाते हैं हम फेस पे और हाथ पैरों पर, लेकिन ये इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो थोड़ा सा ड्रॉप हम इसमें डालेंगे खाली इसके लिए, ये ऐसे कुछ ड्रॉप, तो बस इतनी ड्रॉप डालेंगे। आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत थिक होता है ना विटामिन ऑयल जो होता है, ई ऑयल बहुत थिक होता है, तो इसलिए हम इसको कम डालेंगे। ग्लिसरीन के साथ जो मिक्स होता है वो होता है चंदन तेल, गुलाब जल, नींबू का रस और ग्लिसरीन, बस इसी से इसका लोशन बहुत अच्छा बनता है। देखिए कितना अच्छा इसने येलो सा कलर दिया है चंदन तेल की वजह से, और चंदन तेल ऑर्गेनिक है, ये अच्छा है, बहुत खुशबूदार, बहुत इफेक्टिव है, मैंने यूज़ किया हुआ है, इस वजह से मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ और मैं अक्सर इसको बनाती आई हूँ। आज मुझे लगा कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, मैंने रेडी कर दिया है और इस तरह का बना हुआ है, ऐसा जेल ऑयल ना लोशन बना हुआ है, ये देख सकते हैं, इसको हिला दिया हमने तो ये ऐसा येलो येलो सा हो गया है, आप देख सकते हैं, और एक ये चंदन तेल की वजह से ऐसा येलो कलर हो रहा है हल्का सा, लेकिन बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, हाथ पैरों के लिए। इस तरह की 4 cc बनी है, मैं स्टोर करके ऐसे कंटेनर में रख देती हूँ, मैंने भर के रख दिए हैं सारे, ये देखिए ऊपर आ गया है चंदन तेल, इसमें ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, तो इसको ऐसे ऐसे हम सेक करेंगे जब लगाना होगा और 1 cc में भर लेंगे, ये इस तरह से बना हुआ है, ये देख सकते हैं, तो ये 4 cc बनी हुई है। छोटा सा ब्लॉग मैंने आपके लिए शेयर किया है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगता है ये ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन ऑल पर रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करती हूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, अगले ब्लॉग में कोई मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय गाइस, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय। Oh, 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 oh